हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कविता जी का ओपन। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। थोड़ी सी मेडिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हो सकता है कि चैनल पर लगातार वीडियो ना आए या फिर मैं आपके साथ कुछ अच्छे टॉपिक शेयर नहीं कर पा रही हूँ। उसका कारण यही है, घर में थोड़ी सी मेडिकल इमरजेंसी है और इन फ्यूचर हो सकता है शायद 15-20 दिन लग जाएँ या एक महीने से ज़्यादा का टाइम भी हो सकता है कि मैं किसी खास अच्छे टॉपिक पर वीडियो आप सबके साथ ना डाल सकूँ। लेकिन सपोर्ट बनाए रखिए, क्योंकि आप सबको पता है प्रॉब्लम है तभी अच्छे टॉपिक पर वीडियो नहीं आ रहे हैं। जो समझ आ रहा है बस बना देती हूँ आपके लिए ताकि मेरा चैनल चलता रहे, वहाँ पर कोई खास ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। आज मौसम थोड़ा अच्छा है, बहुत दिनों के बाद मैं टेरेस पर आई हूँ और 2-3 प्लांट की रिपोर्टिंग की है और एक ये कटिंग अपने आप ग्रो हो गई थी तो मैंने इसको छोटा सा पॉट दिया है। कुछ अलग प्लानिंग है इसके बारे में करने की, देखते हैं अगर हम सक्सेसफुल हुए तो आप सबके साथ ये जो फॉर्मूला है मेरा ये मैं शेयर करूँगी कि आखिर मैं इसका क्या कर रही हूँ। ये रेन वाटर मैंने कलेक्ट करके रखा है और इसी को मैंने आज जितने भी प्लांट रिपोर्ट किए उन सब में मैंने डाल दिया है। आज का टॉपिक है कि अगर आपके प्लांट की लीव्स येल्लो पड़ रही हैं, यहाँ दिखाती हूँ, अगर आपके प्लांट की हिबिकस के ऊपर ही है, आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए मेरे बहुत सारे प्लांट हेल्दी हैं और कुछ प्लांट ऐसे हैं, मैं इसको नखराला प्लांट बोलती हूँ, तो ये देखिए कुछ ऐसे मुड़ी हुई अगर उनकी पत्तियाँ हों और ग्रीनरी ना हो, जैसे कि मेरे में तो है, ये सब अलग अलग वैरायटी के प्लांट है। अब पत्तियाँ देखो, यहाँ पर मैं दिखाती हूँ, जैसे कि यहाँ देख सकते हो आप पत्तियाँ ना येल्लो पड़ रही हैं, ठीक है, बिना बात के ही, और येल्लो पड़ के झड़ रही हैं और हालांकि हम इनका सारा ट्रीटमेंट कर रहे हैं और पत्तियाँ इस तरह से मुड़ी हुई हैं और फ्लावरिंग बंच तो नहीं बन रहे हैं। मेरे प्लांट में तो खैर बन रहे हैं, अगर आपके में नहीं बन रहे हैं तो क्या कारण है? मतलब अगर इस तरह से पत्तियाँ येल्लो पड़ रही है तो उसका क्या कारण हो सकता है और कैसे आप नेचुरल तरीके से इसे ठीक करोगे बिना कोई केमिकल खाद यूज़ किए हुए? यहाँ के प्लांट जो है, इनकी वैरायटी आप देख सकते हो, ये अलग हैं। एक ही प्लांट था मेरे पास शुरुआत में और मैंने इनको कटिंग से ही ग्रो किया, बहुत सारे प्लांट, एक एक प्लांट मैंने लिया था उसके बाद कटिंग से ग्रो किया है। तो क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से हमारे जो प्लांट है हिबिकस का, उसकी लीव्स जो है वो येल्लो हो रही हैं? ग्रोथ है लेकिन उसमें बंच नहीं बन रहे हैं और प्लांट को देखकर ऐसा फील हो रहा है कि ये ना बीमार सा हो गया है। कुछ क्या कारण हो सकता है इसका, वो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए, अगर आपके प्लांट इस तरह से कुछ हो रहा है ना, उनकी पत्तियाँ मुड़ रही हैं, येल्लो पड़ रही हैं, तो इसमें एक कारण हो सकता है कि आयरन की डेफिशिएंसी हो, कैल्शियम की कमी हो, आयरन की कमी हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ ऐसे खाद इसमें डालने हैं, ऐसे लिक्विड फर्टिलाइज़र डालने हैं जिनमें कैल्शियम हो, आयरन हो। तो वो आप केमिकल के थ्रू करोगे तो आपकी मर्ज़ी है, हम तो नेचुरल तरीके से करते हैं तो वही हम आपको बताते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अचानक से बारिश आने लगी है और मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्या करना है। ये मेरा पॉट है और इसके ऊपर कुछ और दूसरे प्लांट रखे हैं, वो मैं हटा देती हूँ। सबसे पहले आपको अपने प्लांट की गुड़ाई कर देनी है। ये देखो रूट कितनी अच्छी है इसके अंदर, रूट ज़्यादा बनी हुई है। गुड़ाई अगर करोगे ना 15-20 दिन का गैप देकर, तो इससे क्या होगा कि ये जो आपके प्लांट है इसमें एरिएशन अच्छी तरीके से होगा, मिट्टी की लेयर के अंदर की तरफ मिट्टी में हवा जाएगी, सूरज की किरणें जाएंगी, प्लांट को सांस लेने में हेल्प करेगी, ठीक है, ये करना है। इसके बाद देखिए, सबसे पहले तो आपके पास ना कील होनी चाहिए। मेरे पास कील नहीं है तो मेरे पास जो था वो मैंने आपको बताती हूँ। अगर आपके पास कील हो तो मान लीजिए ये कील है, इसको इस तरह से मिट्टी में गाड़ के छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है, ठीक है। कील अपने आप मिट्टी के और पानी के कॉन्टैक्ट में आकर उसमें जंग लग जाएगा, जंग का मतलब आयरन, ठीक है। ये मुझे इसमें नहीं लगाना है तो मैं इसको निकाल देती हूँ, ठीक है। अगर आपके पास ये नहीं है, जैसे मैंने किया है, मैंने क्या किया ये देखो, मैंने ना लोहे की 2-3 चीज़ें जिनमें जंग लगी हुई है वो इस तरह से पानी में डालकर रखी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इनके अंदर का जो आयरन है ना वो इस पानी में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये पानी जो है वो फिर आपको इस मिट्टी में हिबिकस के प्लांट में डाल देना है, ठीक है। एक तो ये हो गया, अगर आपके पास बनाना पिल पड़े हो, ऑनियन पिल पड़े हो, या फिर आपके पास प्याज के छिलके पड़े हो, तो उनमें भर भर के कैल्शियम, पोटाश होता है, आयरन होता है, आप वो डाल सकते हो। इस टाइम मेरे पास वो नहीं है, ठीक है, तो मैं इसमें क्या डालूँगी, आप वो डाल सकते हो, मेरे पास नहीं है इसलिए मैं डाल रही हूँ। मेरे पास अगर वो होता तो मैं डालती हूँ उनका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर, ठीक है। मैं वर्मी कंपोस्ट डाल रही हूँ, नीम की खली डाल रही हूँ, सॉरी कैमरा उधर था, और DAP के कुछ दाने डाल रही हूँ और फंगी पाउडर डाल रही हूँ। रेनी सीजन चल रहा है इस वजह से ये चीज़ें मैं डाल रही हूँ। सेम यही तरीका मैं जितने भी हिबिकस के प्लांट हैं ना सब में कर दूँगी, ठीक है। और इस तरीके से ये देखो, इस तरीके से आपको मिक्स कर देना है, ठीक है। ये छुरी जो है मैंने आपको अभी जो दिखाई थी, ये मेरे पास एक्स्ट्रा ही पड़ी है,
तो इस वाले पॉट में मुझे कुछ ज़्यादा ही डिफिशियंसी लग रही है, मतलब कि कमी लग रही है, तो मैं छुरी इसके अंदर ही घुसा कर छोड़ देती हूँ। हालांकि मेरे हस्बैंड देखेंगे तो नाराज़ होंगे कि तुमने छुरी क्यों डाली है, लेकिन सिर्फ एक या दो दिन के लिए, ठीक है। अब ये हमने कर दिया, उसके बाद हम ये जो लिक्विड हमने बनाया है ये डाल देते हैं, ठीक है। ये जो हमने आयरन की चीज़ें इसमें डालकर रखा था, इसको आप 5, 6, 7, 8, 10 कितने दिन भी रखो, इसके बाद डाल दो, चाहे एक दिन के बाद भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। पानी जितना पुराना होगा उतना इसकी गुडनेस जो है वो आपके प्लांट को मिलेगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप हमारा वीडियो देख सको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।